मंत्री रहे भाई बलबीर गुनियाल जी, विधानसभा के प्रभारी समीर मिश्र जी, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा भावना रावत जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, समस्त हमारे ब्लॉक प्रमुख सदस्य, जिला पंचायत देवी जोशी जी, श्री कृष्णा बिष्ट जी, श्रीमती नंदिता रावत जी, उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत जी, अध्यक्ष गणेश शाह जी, जनजाति अनुसूचित जाति मोर्चा, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री महावीर रावत जी, पूर्व अध्यक्ष श्री देवेंद्र नेगी देवा भाई, एवं आज इस कार्यक्रम में पूरे थराली विधानसभा से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरी माताएं बहनें, हमारे सभी नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे सभी मित्र, स्कूल के हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज यहां पधारने पर और हमारे प्रत्याशी अनिल भाई को इतनी बड़ी संख्या में आकर समर्थन देने के लिए, हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए, मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, चमोली जनपद की इस देवधरा में आप सभी के बीच आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे याद है कि 2022 के आम चुनाव में भी ये जो मैदान है अनिल जी, ये मैदान बहुत ही हम लोगों के लिए शुभ मैदान है और इस मैदान में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के लिए भी आप सबका मत, आप सबका आशीर्वाद इसी मैदान से लिया था और आप सब लोगों ने 9000 मतों से, जहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर होती थी, वहां पर एक तरफा हमारे यहां से भोपाल राम टमटा जी को विजयी बनाकर भेजा था और हम सबको सरकार में आने का अवसर प्रदान किया था। मैं उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं बरहालगढ़ी मां नंदा देवी अंग्यारी महादेव की इस पावन भूमि को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये किसानों की भूमि है, ये हमारे जवानों की भूमि है और एक तरफ विषम परिस्थितियों में यहाँ का किसान, यहाँ का अन्नदाता के रूप में राज्य की सेवा कर रहा है, तो वहीं देश के जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आज सीमाओं पर तैनात होकर भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, हम सब की रक्षा कर रहे हैं और अपना जो सर्वोच्च बलिदान होता है वो बलिदान देने में भी कभी इस क्षेत्र के लोग पीछे नहीं रहे हैं। मैं थराली के लाल वीर सपूत शहीद श्री भवानी जोशी जी की इस जन्मस्थली को नमन करता हूं, शीश झुकाकर उनको भी प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत हैं और हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की जो घड़ी है वो लगातार आगे बढ़ रही है और आज 29 तारीख हो गई है, 29 तारीख से 19 तारीख तक अगर हम सब दिन गिन लें तो कुल 20 दिन होते हैं, क्योंकि 31 मार्च का महीना है और 17 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, यानी कहने के लिए कुल 18 दिन का समय हमारे पास है और 19 तारीख को उत्तराखंड का मतदान होना है। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे इस लोकसभा गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी और जिनका एक लंबा राजनीतिक सामाजिक अनुभव रहा है, बहुत स्थानों पर इन्होंने काम किया है, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख के नाते भी ये काम कर रहे हैं, राज्यसभा में भी काम किया है, प्रदेश के अंदर राज्य सरकार में भी काम किया है, तो इनका अनुभव हमारे पूरे इस क्षेत्र को मिलना है और इन्हीं के लिए मैं आज आप सबके बीच में आपसे निवेदन करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, यह भी मैं कहना चाहता हूं कि अनिल जी से मेरी बात हुई, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से बात हुई,
तो हमने कहा कि हम नामांकन के बाद जो मेरी चुनाव की सभा होगी, मैं सबसे पहले कोई सभा गढ़वाल लोकसभा में करूंगा तो सीमांत क्षेत्र थरारी में करूंगा। आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद मांगूंगा। और इस क्षेत्र से पहले हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आरणी तीरथ जी ने यहाँ का संसद में 5 साल तक प्रतिनिधित्व किया है। बहुत सारे कामों को उन्होंने शुरू किया है और उन सभी कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अनिल जी की है, हम सब लोगों की है। हम सब लोग उन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे जो विकास की धारा अनुरत रूप से बह रही है, जिसके बारे में अभी धन सिंह जी बता रहे थे कि देवाल में विद्यालय खुल गया, यहाँ पर अस्पताल खुल गया। अनिल जी ने कहा कि ग्वालदम से कर्णप्रयाग को जाने वाली सड़क हो या ग्वालदम सिंगरी सड़क मार्ग हो, सभी सड़क मार्ग तेजी से आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और दृढ़ संकल्प से पूरा भारत विकास की ओर आगे बढ़ा है। विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। पूरी दुनिया के अंदर आज हमारा मान सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, हमारी पहचान बढ़ी है। और भारत इन सालों में जहां पूरी दुनिया, आप देखिए, एक तरफ कोरोना महामारी में बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, वहीं हमारे देश के अंदर कोरोना का हर एक को निःशुल्क वैक्सीन लगाया गया, 80 करोड़ लोगों को अन्न प्रदान किया जा रहा है, वो योजना 2028 तक विस्तारित हो गई है। उसके बावजूद भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। ये हमारे मोदी जी का नेतृत्व है और आज दुनिया के अंदर भारत का परचम लहरा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिसके कारण से आज हमारे युवा भी आगे बढ़ रहे हैं, भारत भी आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर हमारे कौशल की एक पहचान भी हो रही है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, नई नई रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। हर दिन जो कुछ किलोमीटर सड़क बनती थी वो सड़क आज 38 किलोमीटर बन रही है। 2014 के बाद 15 एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है आजादी के बाद 10 सालों में 74 नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को अपना परिवार मानकर देश के 140 करोड़ नागरिकों